ठीक कहा है, रब अपने प्यारों को अजमाइश में डालता है, मगर पकड़ और अजमाइश में बड़ा फर्क है। बशीर बेटा बात सुनो, अल्लाह पाक ऐसे बीमार नहीं करते इंसान को, इनके अपने गुनाहों के अमाल का नतीजा होता है। बाबा हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता है रियाज, उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और वो स्कूल छोड़ रहा है, उसके पास पैसे नहीं। हाँ, हलाल की खाई, अपने मफलूज बाप को तो देखो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लगता है सुल्तान भाई किसी गुनाह की पकड़ में है। लगता है हालात की तपिश ने तुम्हें मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। काम आप हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे आपको कहने हैं, वो पैसे लाए मेरे। बनठन के आज किसी के आगे गड़गड़ाने जा रहे हो। नियतों का मामला रब जानता है, और माफ करना अगर नियत के बलबूते पे रिस्क मिलता तो ये जो बड़े बड़े मुनाफा खोर, सूद खोर, जखीरा अंदोज अरबपति हो गए, सब कंगाल होते। ओदे रंगा नु वही जाने, पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी। और हाँ, एक बात और ख्याल, तुम लोग दौलत के नशे में गुमराह हो चुके। तुझे किसने कहा है रब जिसे तकलीफ देता है उस पर नाराज है? अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाइश में डालता है। रब्बा तेरी रजा विच होए। एक साहब उन्दे रंगा नु ओही जाने, पता नहीं रब केड़े रंगा चला सी। पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी, पता नहीं रब केड़े तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।